मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरावाई जंक्शन से भिवंडी जाने के लिए एसटी बस आज से शुरू की गई है। ये बस पहले भी चलती थी मगर बाद में इस बस को बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर बाला साहब की शिवसेना नेता अनवर कच्छी ने आम जनता की मांग पर इस बस को दोबारा चालू करने की मांग की और आज से इस बस को शुरू किया गया है। अनवर कच्छी ने बताया कि हर रोज सुबह 7:30 बजे वाया जंक्शन से भिवंडी के लिए बस रवाना होगी। दोपहर और शाम के वक्त भिवंडी से मुमरा वाया जंक्शन आने जाने का समय तय किया जा रहा है। इस मौके पर अनवर कच्छी, विजय गोरे, अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे और बस को झंडा दिखाकर अनवर कच्छी ने रवाना किया। अनवर कच्छी और विजय गोरे ने क्या जानकारी दी है, हम आपको सुनाते हैं। अनवर भाई, आज यहाँ से एसटी बस जो है ये शुरू की गई है भिवंडी के लिए, क्या मांगनी थी लोगों की और इसका जो है टाइम टेबल क्या रखा गया है? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। ये बस पहले चल रही थी मुमरा से भिवंडी, मगर काफ़ी टाइम से बंद हो गई थी, तो TMT की बस चालू होने के वजह से इन लोग को पैसेंजर नहीं मिल रहे थे। तो TMT का बस चालू होने के बाद ये बंद हो गई, तो TMT बस के ऊपर एकदम लोड आ गया। तो मेरे को कुछ लोग आके मिले और खासदार साहब को भी मिले और उनको लेटर दिया कि एसटी का बस वापस चालू होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने मांगनी की और लेटर दिए, तो उन लोगों ने हमारी मांगनी एक्सेप्ट की है, मगर उन लोगों ने बोले कि अगर हमको पैसेंजर नहीं मिलेंगे तो 1 महीने के बाद हम लोग बंद कर देंगे। तो मेरी मुमरा की पब्लिक से ये गुजारिश रहेंगी कि अगर ये बस हमारे यहाँ से जाती है तो इसके अंदर भी बैठो। मगर एक प्रॉब्लम ऐसा था कि इनका जो टाइमिंग है वो 8:30 बजे का है और कभी कभी ट्रैफिक होने की वजह से लेट हो जाती है। तो हम लोगों ने बोला है कि ये बस है ना 7:30 बजे चालू की जाए, जो वाई जंक्शन ये ब्रिज के नीचे से स्टार्ट होगी और भिवंडी से निकलेंगी। तो अभी डिपो में जाके हम लोग बाकी का टाइमिंग सेट कर रहे हैं। तो मेरी एक ये रहेंगे कि सुबह में 7:30 बजे जो वर्कर जाते हैं भिवंडी काम करने वाले, उनको काफ़ी तकलीफ होती है, लेडीज़ लोग के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है। तो इसके लिए करके अभी ये नहीं से वापस बस चालू कराई है और मैं मुमरा के लोगों से आह्वान करूँगा कि ये जो बस चालू है तो इसका फ़ायदा लो, क्योंकि जो अगर कोई भी दुकान खोलता है अगर वो चलेगा नहीं गिरा की तो बंद कर देगा। तो ये बस के अंदर भी सफ़र करो और ये 1 महीने ट्राई बेसिस के ऊपर बस चल रही है, अगर ये चलेंगी तो और भी बस बढ़ाएंगे। तो आप लोग इसका पर डे कितना चक्कर आने जाने का बात? इनका कुछ 3 चक्कर, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में। तो मैंने इनको ये बोला कि अगर दोपहर में नहीं भी रहेंगे, क्योंकि दोपहर के टाइम पे कोई सफ़र नहीं करता है, 2 ही चक्कर दो मगर एकदम टाइमिंग पे दो, या तो फिर सुबह में 2 दे और शाम में 2 दो। अच्छा, यहाँ सुबह 7:30 बजे वाई जंक्शन से जाने के लिए समय अभी निर्धारित है। हाँ, लेकिन और भी समय जो भिवंडी से आने का है और फिर शाम के वक्त यहाँ से जाने और आने का है, उसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। उधर से, उधर का टाइमिंग फिक्स है, वहाँ से शाम में 6:30 बजे निकलेंगे। और यहाँ से, यहाँ से बाद में कुछ मेरे ख्याल से 8 बजे का टाइमिंग है रात में, और सुबह में वहाँ से 6 बजे निकलेंगी और यहाँ से 7:30 बजे, यहाँ से 7:30। तो ट्रैफिक के वजह से कभी कभी टाइमिंग लेट हो जाता है। तो मुमरा से भिवंडी जाने वाले रूम के अंदर है, बाकी गोडाउन के अंदर जाने वाले काफ़ी लोग हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। TMT बस चालू है मगर वो फुल जा रही है, उसमें बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं हो रही है। उसकी वीडियो भी मैं आपको इंशाल्लाह दे दूं। वाई जंक्शन से इसकी शुरुआत मतलब कल से हो जाएगी? कल से हो जाएंगी, ये पहले भारत गेट से जा रही थी, यहाँ सिलपाटा जाता था, अभी सिलपाटा में आप देख रहे हैं ब्रिज का काम चालू है तो काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है, तो ये इनका टाइमिंग मिस हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने बोले अभी फिलहाल यहाँ से चालू करो, बाकी फिर आपकी जो पॉइंट है वहाँ से चालू करो। विजय भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से बाला साहब की शिवसेना की तरफ से इस पद को चालू किया गया दोबारा? आज 9 तारीख शिंदे साहब के जन्मदिन पर या अच्छे अवसर पर भिवंडी मुमरा ये बस चालू किए और मुमरा वाले को और भिवंडी वाले को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है इस बस और अनिल कच्छी साहब का बहुत बड़ा योगदान है बस लाने के लिए। पहले भी बस चालू थी, पैसेंजर के लिए थोड़ा सा बंद हुआ था, पर अनवर भाई के ऑफिस में बहुत सारे लोग आके कंप्लेंट किए कि बस आपको चाहिए, प्रवासी सुबह जाने के लिए आने के लिए काम के लिए दिक्कत होता है। अनवर भाई ने ये सबसे बड़ा काम किया और अपने शिंदे साहब के जन्मदिन पर सबसे बड़ी मुमरा वाले को और भिवंडी वाले को थोड़ा गिफ्ट दिया।